नमस्कार, आप सभी को कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त चक्रवर्ती और आपका स्वागत करता हूं। अमल और क्षार में अंतर आपको बताना है और ये जो पूछा जाता है BSEB 2023 में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहा हूं कि क्लास टेंथ में ये जो क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो आइए मिलकर करते हैं इसे सॉल्व। मैंने इसे इसलिए लिख लिया है ताकि आपको कम समय में कंटेंट पूरा मिल जाए। लिखेंगे तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा और एग्जाम के टाइम में अगर आप ज्यादा टाइम इसी पे स्पेंड करते हैं तो ये एक तरह से गलत ही माना जा सकता है। तो आइए करते हैं। अम्ल और क्षार में विभिन्न अंतर इस प्रकार है, अम्ल और क्षार में अंतर विभिन्न इस प्रकार है, इसे लिख देंगे। एक तरफ लिखेंगे अम्ल और एक तरफ लिखेंगे क्षार और बीच में लिखेंगे एक लाइनिंग। तो अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। और क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। पहली पॉइंट आप लिखेंगे खट्टा और दूसरी पॉइंट आप लिखेंगे कड़वा। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। अब आइएगा, अम्ल जो है जल में विलय होकर H+ आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रदान करता है। अम्ल जो है जल में विलय होकर H+ को प्रदान करता है, जबकि क्षार जल में विलय होकर OH- को प्रदान करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, सिर्फ खट्टा और एक कड़वा, दूसरा है H+ और दूसरा है OH-। तीसरा है कि अम्ल जो है अम्ल को किस चीज में हम लोग डालेंगे कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो जब अम्ल है और क्षार को मिलाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है, यानी अम्ल मेरे पास है और क्षार में हम डालेंगे तो अम्ल और क्षार मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्षार जो है अम्ल को उदासीन कर देता। आइए, अम्ल जो है, अम्ल का मतलब एसिड, मतलब इसका विलय जल में करने पर जो होता है जल का पीएच मान कितना हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। जो विलय होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम हो जाता है। लेकिन क्षार का जब हम विलय जल में किया जाता है तो पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक हो जाता है, यानी मोर देन, यानी 7+ हो जाता है। कैसे होता है, जब जल में उसको डाला जाता है, विलय किया जाता है, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। लेकिन जब अम्ल का हम लोग जल में विलय करेंगे तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखा। तो पहला है खट्टा, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार जो है नीला लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल को जल में विलय करने पर H+ आयन देता है, जबकि क्षार को जल में विलय करने पर OH- देता है। और अम्ल जो है क्षार को उदासीन करता है, क्षार जो है अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल जो है आपको देखते हैं कि विलय जल में किया जाता है तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन जब क्षार का विलय जल में किया जाता है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीजें पॉइंट आपको नोटिस कर लेना। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा H+, तीसरा पॉइंट क्षार उदासीन करता है, चौथा पॉइंट आपको करना है 7 का से कम होता है पीएच मान, इसका 7 से ज्यादा पीएच मान होता है। और यहाँ पर होता है नीला जो है वो लाल कर देता है, या लाल जो है वो नीला कर देता है। ये परीक्षण में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।